के दिन तेलंगाना में लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, तो हैदराबाद के सभी लोगों से मैं अपील करती हूँ कि आप लोग 5 साल में एक बार इलेक्शन आता, आप लोग अपने घरों से निकलकर वोट डालिए। अब पूरे इंडिया की नज़र जो है वो हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी पे है, जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की सीट है। 40 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है यहाँ पे कामयाब हुई है। जिस तरीके से मजलिस ने यहाँ पे काम किया है, अवाम का भरोसा जीता है, अवाम की खिदमत की है। विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। तेलंगाना रियासत की गोल्डन गर्ल कहलाए जाने वाली इंटरनेशनल कराटे चैंपियन सैयदा फलक ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खुसूसी खिताब करते हुए आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को भरपूर सपोर्ट करने की गुजारिश की। सैयदा फलक ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क भर में खुसूसी तौर पर हैदराबाद पार्लिमानी हलके की सीट पर नज़रें सभी की टिकी हुई है, जो कि पिछले 40 सालों से लगातार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अपनी बेहतरीन खिदमत से थामे हुए हैं। इन्होंने मजीद कहा कि इस मरतबा पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाने की खूब ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, लिहाजा इन्होंने तमाम वोटर से गुजारिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हैदराबाद MP व मजलिसी सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिमायत करें और इनके हक़ में भरपूर सपोर्ट और वोट करें। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। के दिन तेलंगाना में लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, तो हैदराबाद के सभी लोगों से मैं अपील करती हूँ कि आप लोग 5 साल में एक बार इलेक्शन आता, आप लोग अपने घरों से निकलकर वोट डालिए। आपका वोट बहुत कीमती है, एक एक वोट की अहमियत है और ये इलेक्शंस हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ के पोलिंग परसेंटेज को हमें बढ़ाना है और हमें यहाँ के पोलिंग परसेंटेज को इसलिए बढ़ाना है क्योंकि अब पूरे इंडिया की नज़र जो है वो हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी पे है, जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की सीट है। 40 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है यहाँ पे कामयाब हुई है। जिस तरीके से मजलिस ने यहाँ पे काम किया है, अवाम का भरोसा जीता है, अवाम की खिदमत की है, इसीलिए जो है मजलिस अब यहाँ की अवाम मजलिस पर भरोसा करती है, मजलिस को कामयाब करते आई है और इस बार भी हमें पूरा यकीन है कि अवाम मजलिस को यहाँ से कामयाब करेगी। लेकिन हमारा काम है कि हम यहाँ के पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट मजलिस को देकर कामयाब करें क्योंकि हमें पूरे इंडिया में जो कि लोगों की नज़र इस सीट पर है, हमें उनको बताना है कि देखो हैदराबाद से हमारी ये ताकत है, हमारी ये यूनिटी है, हमारा ये इत्तेहाद है। आज पूरे लोग जो है लगे हुए हैं कि हैदराबाद से मजलिस को ख़त्म कर दे, मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म कर दे। अगर हम नॉर्थ स्टेट्स में देखें तो जो है पूरे मुस्लिम लीडर्स को जेल, या तो जेल में डाल दिए या तो पुलिस की हिरासत में मुस्लिम लीडर्स की मौत हो जा रही। तो ये लोग का मकसद ये है कि इवन अगर आप दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो इंडिया अलायंस है उनके भी अगर आप टिकट्स देखें तो बहुत ही कम मुस्लिम्स को वो लोग टिकट दे रहे। इवन जब मुस्लिम लीडर्स की जो पुलिस हिरासत में मौत हो जा रही या उनको जेल में डाल दिया जा रहा तो कोई भी ज़्यादा खुल के आवाज़ नहीं उठा रहे। जबकि केजरीवाल को अरेस्ट करे तो पूरे अपोजिशन जो है मिल के प्रोटेस्ट करे, एक जगह जमा हो गए। मुख्तार अंसारी के लिए कौन आवाज़ उठा रहे, या जितने भी मुस्लिम लीडर्स को जेल में डाल दे रहे या मार दे रहे उनके लिए कौन आवाज़ उठा रहे। तो ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को घरों से निकलना होगा। आज अगर हम देखें तो पूरे इंडिया में असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोई मैच नहीं है। उन्होंने बेस्ट पार्लियामेंटेरियन है, उनको संसद रत्न दिया गया और उनका जो काम है, उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो सलाहियत है, जो हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस तरीके से उन्होंने काम किया उसका कंपैरिजन तो पूरे इंडिया में है ही नहीं। तो फिर ये माधवी लता क्या चीज़ है? माधवी लता को पॉलिटिक्स का पी भी नहीं मालूम था, लेकिन शायद साल डेढ़ साल से जो है ये BJP की प्लानिंग चल रही। उन लोग जो है माधवी लता को मजलिस के ख़िलाफ़ बोल लें, असद साहब के ख़िलाफ़ बोल लें, उनको जो है ग्रूम कर रहे। आज पूरे नेशनल मीडिया में, पूरी नेशनल मीडिया माधवी लता को शाइन करने में लगी हुई है, उनको जो है हाईलाइट करने में लगी हुई है। 543 जो है टोटल सीट्स है, इंडिया अलायंस पूरे सीटों पर लड़ी, जिसमें से 446 जो है BJP के कैंडिडेट्स है, लेकिन 446 में से मोदी जी जो है सिर्फ माधवी लता के बारे में ट्वीट करे,
कि आप लोग इनका इंटरव्यू देखिए, शी इज़ वेरी एक्सेप्शनल, यू मस्ट फॉलो हर, यू मस्ट लिसन टू हर। अमित शाह जो है स्टेज पे इतने सारे कैंडिडेट्स में से सिर्फ माधवी लता का नाम ले रहे, और पूरा जो है बीजेपी का आईटी सेल पूरा सोशल मीडिया पे उनको प्रमोट करने में लगा हुआ है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि मजलिस यहाँ से कमज़ोर हो, मजलिस को वो लोग ख़त्म करना चाहते हैं, जबकि उनका कोई मैच कोई कंपैरिजन जो है असद साहब के मुकाबले में पूरे इंडिया में ही नहीं है, तो फिर इनका तो कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है। और उन्हें बार बार हर इंटरव्यू में जा रहे एक ही बात बोल रहे कि मैं 1000 नेट डिलीवरीज करी, मैं फ्री हेल्थ कैंप्स कराई, मैं राशन बांटी, मैं हेल्थ केयर कैंप्स लगाई, ये करी वो करी, जबकि उनका कोई सबूत हमको जो है सोशल मीडिया पे या उनका जो चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम ले रहे उन्होंने लोपा मुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें कोई डिटेल्स कोई प्रूफ कोई ज़्यादा फोटोज़ वगैरह नहीं है, और वो इतना गिना रहे 2-3 फोटोज़ के दम पे, उन्होंने इतना चला रहे कि इतना सारे सोशल एक्टिविटीज़ करे उन्होंने। अगर हम हमारी बात करें कि मजलिस कितना जो है चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करे, कितना सोशल वर्क करे, तो उसकी तो कोई गिनती नहीं है ना, अनगिनत काम करे। अगर हम गिनाने बैठे कि कोविड में जो है कितने हज़ारों लोगों की मदद करे, लॉकडाउन में कितने हज़ारों लोगों की मदद करे, हर साल जो है एजुकेशन के ऊपर कितना पैसा खर्च करती मजलिस, कितने हज़ारों बच्चे जो है आज इस स्कूल में फ्री एजुकेशन उन लोग को मिल रहा, हर साल कितने हज़ारों उर्दू मीडियम के बच्चों को जो है एजुकेशनल किट्स बांटे जाते, कितने हज़ारों बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनल कोर्सेज की ट्रेनिंग मिलती, ख़वातीन को क्या क्या फ़ायदा हो रहा, ख़वातीन को कितने फ्री कोर्सेज दिए जा रहे। अगर आप ओवेसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो ख़वातीन के लिए नॉर्मल डिलीवरीज फ्री है। तो हमारे तो जो है ना चैरिटेबल एक्टिविटीज़ सोशल सर्विसेज अनगिनत है। अगर आप अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के कारनामे देखें जो हबीबे मिल्लत ट्रस्ट की जानिब से उन्हों करते, उसका कंपैरिजन पूरे इंडिया में नहीं है। तो फिर इन्हों ये झूठ उन्हों क्या बोल रहे कि ये करते वो करते, उन्हों 2-3 फोटोज़ भाई कोई प्रूफ नहीं है। आप फ्री डिलीवरीज कराए, आप खाना बांटे बोल रहे, आप राशन बांटे बोल रहे, आप हेल्थ कैंप लगाए बोल रहे, एक तो तस्वीर दिखा दो ना, क्या करें आप, कोई आपके पास प्रूफ ही नहीं है। लेकिन इसका तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इसके आपके चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के तो कोई देखे नहीं, उसके बारे में तो पहले किसी को मालूम नहीं था, लेकिन ज़रूर पूरे हैदराबाद को ब्रिंची हॉस्पिटल के कारनामे मालूम है कोविड के टाइम पे, कि वो टाइम पे आप क्या कर रहे थे। आप लाशों पे जो है पैसा कमाए, आप लाशों के जब लोग इतना परेशान थे, इतने लोगों की मौत हो रही थी इतना परेशान हाल में, आप जो है ओवर बिल्डिंग की तरफ से उनका हॉस्पिटल का जो है लाइसेंस 2 बार कैंसिल हुआ, गवर्नमेंट ऑर्डर को जो है 2 बार ब्रिंची हॉस्पिटल जो है रूल्स वॉयलेट करे, ओवर बिल्डिंग करे, वो पेशेंट्स की जो है लापरवाही जो करे, उन्होंने जो मिस ट्रीटमेंट करे, 2-2 बार ब्रिंची हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल हुआ। तो ये चीज़ के बारे में पूरे हैदराबाद शहर को पहले से मालूम था, लेकिन जो उन्होंने सोशल एक्टिविटीज़ का दावा कर रहे हैं उसके बारे में पहले किसी को मालूम नहीं था। पोलिंग परसेंटेज कम होता जा रहा है जी, इसकी वजह क्या है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए ये लोगों की लापरवाही है। लोगों को चाहिए कि भाई 5 साल में जब एक ही बार इलेक्शन आ रहा, तो आपका काम है आप निकल के वोट दीजिए। आप जब चाह रहे हैं, आपको अगर कोई नाराज़गी है, अगर आप कोई लीडर को पसंद करते हैं या किसी से नाराज़गी है, तो निकल के वोट डालो ना। अब हमारे मसले क्या है, आज हमारे CA के ख़िलाफ़ वोट करना है, हमको जो है हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड के ख़िलाफ़ वोट करना है, ट्रिपल तलाक कानून के ख़िलाफ़ वोट करना है, हिजाब बैन के ख़िलाफ़ वोट करना है, हमको जो है भाग्यनगर के ख़िलाफ़ वोट करना है। तो आप लोग निकल के वोट डालिए इन चीज़ों के ख़िलाफ़, बढ़ाइए यहाँ का पोलिंग परसेंटेज। 5 साल में एक बार इलेक्शन आता, आप लोग जो है एक एक बार का वोट कीमती है भाई, एक एक वोट कीमती है, आपका जमहूरी हक है वोट डालना, जमहूरियत को मजबूत करके बताइए यहाँ का इत्तेहाद। नाज़रीन, क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे या फिर झुर्रियों से परेशान हाल है, या फिर दांतों के मसाइल से दो चार है, तो आपके सभी मसाइल का हल रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक्स के पास मौजूद है। यहाँ पर बेहतरीन व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेरे निगरानी में बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी व मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन व 100% मुकम्मल कामयाब इलाज फराहम किया जाता है। मजीद तफसीलात के लिए सीधे चले आए, हमारा पता है मासअप टैंक फर्स्ट लांसर, फातिमा रफी रेसिडेंसी,